एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, फोर जी। हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि अगर हम इंडिया के नागरिक हैं फिर हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों है, क्योंकि हर एक कस्बे में हर एक गांव में तीन तीन चार चार टावर कंपनी आके लगा रही है। और हम लोग आज से कई सालों से एप्लीकेशन देते हुए डीसी तक हम लोग पहुँचे और आज तक हम लोग इस चीज़ से महरूम हैं। क्या हम लोगों के साथ ये, क्या हम वोट नहीं करते गवर्नमेंट को, क्या हमारे चुने नुमाइंदे नहीं बनते? मैं फिर हम लोगों को जब वोटिंग के टाइम पे सभी लोग आते हैं हमारे पास। आज ये हमारी समस्या एक ज़माने से आ रही है। आज हर घर में नेटवर्क, हर घर में प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई है, लोगों के स्कूल बंद है, जिसकी वजह से कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, कोई ऑनलाइन क्लासें लेते हैं टीचर, कोई कुछ है। हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल बिल्कुल मारूम है। आप ये बताइए कि ऑनलाइन क्लास कहाँ होते हैं बच्चों के? जैसे कि यहाँ हम लोगों को टीचर बोलते हैं कि भाई आप बच्चों की ऑनलाइन क्लासें हम लेंगे, तो अब जब हमारे पास यहाँ पहाड़ी पे चढ़ के हम लोग एक सिग्नल आता है तो उसके लिए नेटवर्क के लिए, और उससे हम कई मजबूरी में बात करते हैं। और बताइए अब क्लास किस तरह से बच्चा लेगा हमारे? कोई आज तक आया यहाँ पे? आपको बोला गया कि नेटवर्क आएगा लगाएंगे या कुछ? एक दो बार टीमें आई और बता के चली गई भाई लगेगा, उसके बाद उनका आता पता नहीं मिला कुछ भी। और मेहरबानी करके हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे प्रशासन से सबसे ये विनती करते हैं कि हम लोगों को इस मजबूरी हमारी को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। सर, पहले तो मैं आपका कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूं सर, जो हमारे पिछड़े हुए इलाके में पहुंचे और हमारी आवाज़ को बुलंद करने का कदम उठाया सर। उसके बाद सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ सर कि हर जगह आप तो बोलते हो सर, मनोज सिन्हा साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तो बोल रहे हो सर कि डिजिटल इंडिया बनाना है, ये कौन सा डिजिटल इंडिया है सर? हमारे इलाके में हर जगह 4G चल रहा है, ये हम तो 4G के लिए हम तरस रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे तरस रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 4G तो यहाँ पे चल नहीं रहा है, हमारे बच्चे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ऑनलाइन क्लासेस देते हैं सर, यही है डिजिटल इंडिया। कम से कम सर ऐसा करो कि हमें भी कोई नेट की सुविधा हो जाए, हमारी तरफ भी कोई फ़ोन चले। टावर तो यहाँ पर सेंक्शन किया गया था सर, अभी हमें पता नहीं चल रहा है उसके बारे में क्या किया, उसका लगा नहीं रहे, पता नहीं कोई सोशल एक्टिविटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम हो चुकी है सर, पहले तो बोला कहा गया था हमसे, ज़मीन वगैरह देख के गए थे, उसके बाद उन्होंने टावर लगाए, हमें कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लगा देंगे, उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने बीत गए सर, यही तो टाइम होता है, आगे से विंटर आने वाला है, विंटर में कौन सा काम होगा सर? तो हमें बताया गया 1 महीने के अंदर होगा, वो हुआ नहीं सर, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं सर, कब हमारी ये ख्वाहिश कब पूरी हो जाएगी सर, बहुत टाइम उससे देख रहे हैं। डिमांड है हमारी सर, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कम हमें सर नेटवर्क की सुविधा दी जाए, यहाँ पे हमारे बच्चे भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दे दें सर। अस्सलाम वालेकुम, विलेज लच्छीपुरा शेरवानीपुरा भी, वी आर डिनाइड ऑफ फोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी सिंस लॉन्ग, आवर चिल्ड्रन especially children and officials, we are extremely suffering without this essential service. As the government has already sanctioned the Airtel mini tower to us, but due to some political and social issues in the village, they have not started its working yet. So on behalf of all the residents, our humble request to the concerned authorities is that please look deeply into the matter. Assalamu alaikum, मैं यहाँ वार्ड का मेंबर बोल रहा हूँ। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं हमारी मतलब रोड की हालात, हमें सर्विस अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क जबकि पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हमारे बच्चों ने जो हर्फ सीखा था उससे भी वो मारूम हो चुके हैं इन 2 सालों में, तो हमें नेटवर्क की अजहद प्रॉब्लम है, यानी हमारा फोन कॉल करने के लिए नहीं चल रहा है, किसी किसी जगह चल रहा है इस इलाके में, जबकि इस वक्त ये गरीब और बिछड़ा हुआ इलाका है,
जबकि पहली हुकूमतों में भी ये बिछड़ गया था, कोई पूछ नहीं रहा था। अब यूटी बनने के बाद भी बावजूद भी इसको कोई नहीं पूछ रहा है, जबकि नेटवर्क टावर हमने सेक्शन करवा के भी 6 महीने से टावर का कोई काम भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो हम इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमें टावर दिया जाए। बस आए 1 बजे से आए हैं। तो क्लास यहीं पे होते हैं जी? मतलब कहाँ से आए, कितने दूर से आए जी? 5-6 किलोमीटर दूर से आते हैं। 5-6 किलोमीटर जी। वहाँ नेटवर्क नहीं चलते? नहीं। तो इस जगह पे जी। तो क्लास कितने बजे होते हैं आपकी जी? सुबह भी होती है और दिन को भी होती है और कभी शाम को भी होती है क्लास। तो सब क्लास नहीं, कहाँ होती है कभी यहाँ पर। सुबह 1 लेता हूँ, दिन में आ ही नहीं सकता हूँ, शाम को शाम वाली भी नहीं ले सकता। तो आप क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट को, बुलाते हो नेटवर्क नहीं? हमें नेटवर्क चाहिए तो और क्या। हाँ भाई, आपका नाम? जी मोइन खान। आप किस क्लास में पढ़ते हो? जी 9th में। तो आपकी क्लास कहाँ होते हैं? जी क्लासेस इधर होते हैं सर, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, घर में नेट नहीं चलता है सर। कितने दूर से आए हो आप? लगभग सर 5 किलोमीटर से दूर आए हैं। 5 किलोमीटर। क्लास किस टाइम पे होते हैं? क्लासेस सर सुबह भी होते हैं 10 बजे के करीब करीब, तो एक क्लास सुबह हो जाती है सर, तो दिन की क्लास 1-2 बजे नहीं होती है सर। तो ये जंगल है? शाम की क्लास होती है सर, लेकिन नहीं कोई नहीं इधर आता है, क्योंकि इधर बहुत ये जंगल का एरिया है सर, इसलिए हर एक को डर लगता है। छोटे बच्चे आते हैं क्लासेस के लिए तो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे डर है टाइगर का वगैरह और भी कुछ है। यहाँ पे घास में बैठे हैं सर, आप देख लो सांप का डर है। इधर दिन को क्लास लेते हैं बस, शाम के 3 बजे के बाद इधर कोई नहीं आता है। तो क्या चाहते हो? बस गवर्नमेंट का बोलना यही सर, नेट कहीं भी कहाँ ही नहीं चल रहा है, सिर्फ इधर ही नेट चल रहा है सर। तो ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमको नेटवर्क चाहिए। यहाँ पे स्पीड ठीक है? नहीं सर, स्पीड कहाँ, थोड़ा से यहाँ पे 3G चल रहा है बस, थोड़ी इसकी स्पीड है, मैसी भी सेंड नहीं होती है सर टीचरों को। तो खाना शाना यहीं खाते हो घर पे ही? नहीं सर, सुबह खाते हैं बस, शाम को वापस जाते हैं। मतलब दिन को यहीं? दिन को यहीं सर। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th-12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।